दिवाली सामने है, दिवाली के बाद काली पूजा, तमाम पूजा जो है उसके बाद क्रिसमस आ जाएगा 25 दिसंबर को, तो क्या लगता है आपको, संभावना आपको कहीं से लगती है, आशंका लगती है? देखिए, हमें सावधान रहना है। जिस समय दूसरी वेव आई थी उस समय इम्यूनाइजेशन स्टेटस नहीं हुआ करता था और यह बड़ा मिनिमम था। आज पूरे देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन दिए जा चुके हैं और उसमें 30% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको दोनों डोज दी जा चुकी है। एक डोज वैक्सीनेशन के बाद जब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी बीमारी 80% तक रुक चुकी है। ऐसे में ये कहना कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, पर हम होपफुल हैं कि ऐसा कोई वेव अब, क्योंकि एक तो हर्ड इम्यूनिटी होती है जो एक दूसरे से फैलती है उसमें लोकेलिटी में, हर्ड इम्यूनिटी भी हो चुकी होगी अभी तक तो, क्योंकि सीरम सर्वे जो सीरो सर्वे हुआ है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बुखार भी नहीं आया, उन्हें पता भी नहीं चला, बट उनका सीरम लेवल अच्छा, तो ये गुड साइन है हमारे यहाँ। पर सावधानी तो हमें रखनी होगी, क्योंकि हम यही सोचते थे कि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव नहीं आएगी और सडनली आ गई, और सेकेंड वेव के बाद हालांकि हम तैयार हैं, हमने इम्यूनाइजेशन भी सबका कर रखा है और वो उसी पेस में चल रही है, और अगर ऐसे ही चला तो बाई 31st of December देश का हर नागरिक इम्यूनाइज्ड होगा, उसका इनोकुलेशन हो चुका होगा। जरा हम लोग डेल्टा प्लस पर बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है डेल्टा प्लस के, अभी जितने भी मामले देश में हैं वो डेल्टा प्लस के ही बताया जा रहा है, और एक नया वेरियंट आया है EY4.2, क्या है ये? देखिए, एक ये सार्स वायरस है जो आज का नहीं बहुत पुराना है, उसी सार्स वायरस ग्रुप का, उसी फैमिली का ही कोरोना वायरस है। इन सब वायरसेस में म्यूटेशंस होते रहते हैं, यानी चेंजेस होते रहते हैं, और उसी चेंज का एक वेरिएशन था डेल्टा प्लस, जिसने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया पूरे देश में। पर हर म्यूटेशन इतना खतरनाक नहीं होता, अच्छे म्यूटेशंस भी होते हैं, जो म्यूटेशन हो जाते हैं पता नहीं चलता, और जो अभी भारत सरकार कर रही है EY 4.2, 4.1, ये जितना है इस पे सरकार की तरफ से पूरी नज़र है, इन द सेंस कि अगर उसकी वजह से कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग मैनेज करेंगे। पर अभी तक जितने म्यूटेशन स्ट्रेंस में हुए हैं किसी के अंदर इतनी वायरुलेंस नहीं है जो इतना ज़्यादा डैमेज कर सके जितना डेल्टा प्लस ने किया। डेल्टा प्लस के फैमिली में 25-30 मेंबर हैं इसमें, बताया ये चला जो इन्वेस्टिगेशन में। जी हाँ, ये तो म्यूटेशंस होते रहते हैं इसमें, वो हर 2-3 हफ्ते में थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसका, और म्यूटेशन हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहता है, पर एक छोटी सी चेन में कहीं चेंज होता है जिसकी वजह से उसकी वायरुलेंस बढ़ जाती है। डेल्टा प्लस जब आया था तो एक ऐसा चेंज था जो बहुत जल्दी फेफड़े में चला जाता था, बहुत जल्दी फेफड़े को इन्वॉल्व करता था, रेजिस्टेंस सब ड्रग्स को हो गया था। तो ऐसी सिचुएशन पे जब कभी अगर ऐसा कोई आता है तब देखेंगे, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। तो क्या कहें, डेल्टा प्लस उतना खतरनाक नहीं है, और क्योंकि अभी जितने भी केसेस अभी हिंदुस्तान में हमारे देश में है डेल्टा प्लस के ही बताया जा रहा है। हाँ, तो अब डेल्टा प्लस तो जितना आना था आ चुका है, डेल्टा प्लस से जो इम्यूनिटी होनी थी हो गई है, और हमारी जो वैक्सीन है वो डेल्टा प्लस को भी कवर करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे देश का 100 करोड़ आदमी तो कवर है आज डेल्टा प्लस से, तो चिंता किस बात की। EY 4.2 बताया जा रहा है यूके का वेरिएंट है, कुछ केसेस इंडिया में है लेकिन खतरा उतना नहीं है, ज़्यादा ये तेज़ी से नहीं बढ़ता है। देखिए, ये म्यूटेशंस हर जगह हो रहे हैं, जैसे हमारा डेल्टा प्लस हिंदुस्तानी वेरियंट था जिसने जाके सब जगह तहलका मचा दिया है, अब यही वेरियंट वहाँ पर 4.2 का जो वेरिएशन उसी डेल्टा प्लस में वहाँ पर हो गया, तो वो उसका यूके वेरिएंट हो गया, जो 2-4 केसेज यहाँ आ गए। क्यों? आज कम्युनिकेशन और मोबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कल कोई लंदन में बैठा होता है आज शाम को यहाँ आ जाता है, तो साथ में एसिम्प्टोमेटिक डेल्टा प्लस भी चला आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें वरी करना।